इस स्लाइड में लिखा है लाइफ में अपॉर्चुनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। मेरे ख्याल में आप इस बात से 100% सहमत होंगे, और हर व्यक्ति मानता है कि जिंदगी में जितने भी लोगों ने कुछ बड़ा किया है वो उन्हीं लोगों ने किया है जिनकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आई, चाहे कोई पॉलिटिक्स के रूप में आई, चाहे कोई फिल्म इंडस्ट्री वाले व्यक्ति के रूप में आई, चाहे किसी ने कोई और ऐसा कुछ लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिली। तो जिन जिन लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया, इसलिए बोला जाता है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन यह भी एक्सपर्ट के द्वारा बताया गया कि हर व्यक्ति की जिंदगी में कभी ना कभी एक बार वो अपॉर्चुनिटी पक्का आती है किसी ना किसी रूप में। बहुत सारे लोग उसको समझ जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, बहुत सारे लोग कैश कर जाते हैं, बहुत सारे लोग कैश नहीं कर पाते, कारण जो भी रहा हो, लेकिन यह तय है कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी किसी न किसी माध्यम से 100% आती है। उस अपॉर्चुनिटी को कैश करने में यदि आप उन सफल लोगों से सुनोगे, उनसे मिलोगे, चाहे किसी भी सेक्टर का व्यक्ति है, वो सारे के सारे व्यक्ति अपनी उस अपॉर्चुनिटी को कैश करने का राज बताएंगे। कुछ बताएंगे कि मैंने बड़ा डेडिकेशन से काम किया, कुछ कहेंगे मैंने पूरा जुनून से काम किया, कुछ कहे मैंने अपने आप को अपडेट करने पे काम किया, कुछ कहते हैं मैंने टीम वर्क बनाने पे, जो भी कर रहे हो। तो देर में भी सो मैनी ऑप्शंस, बट एक फैक्टर ऐसा है जो सबके लिए कॉमन होता है, और उस अपॉर्चुनिटी को कैश करने में उस एक फैक्टर का सबसे बड़ा रोल होता है, और उस फैक्टर का नाम है डिसीजन। सबसे बड़ा रोल किसी अपॉर्चुनिटी को कैश करने में जिस फैक्टर का होता है उस फैक्टर का नाम है डिसीजन। अपॉर्चुनिटी को कैश करने में डिसीजन का बहुत बड़ा रोल है, सफल होने में डिसीजन का बहुत बड़ा रोल है, और जो व्यक्ति इस डिसीजन वाले पॉइंट पे कमजोर होता है वो अपॉर्चुनिटी आने के बाद भी असफल रह जाता है। बट जो व्यक्ति डिसीजन में स्ट्रोंग होता है वो अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद उसको कैश कर जाता है। यदि मैं आपसे बात करूं, आरसीएम बिजनेस भी हमारे लाइफ की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आरसीएम इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोगों की आप स्टोरी सुनते होंगे, बहुत सारे लोगों की सक्सेस को आपको देखते होंगे, चाहे पैसे की बात करें, चाहे टर्नओवर की बात करें, चाहे उसके लाइफ स्टाइल की बात करें, चाहे उसके अचीवमेंट्स की बात करें, चाहे उसकी सक्सेस की बात करें। तो हमारा जो ये अभियान है आरसीएम, ये अभियान इसके बहुत बड़े बड़े उद्देश्य है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को भी कैश करने में जिस फैक्टर का रोल है उसका नाम है डिसीजन। आरसीएम में भी डिसीजन दो प्रकार से लिया जाता है। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो ऑलरेडी आरसीएम को कर रहे हैं, आरसीएम को जी रहे हैं, इस अभियान के प्रचार प्रसार में लग रहे हैं, और बहुत सारे नए प्रोस्पेक्ट भी होंगे। तो जब हम इस अभियान की, इस मिशन की सामने वाले के साथ चर्चा करते हैं कि इस मिशन में जो ये नेशनल लेवल का मिशन काम कर रहा है, इसके तीन मुख्य उद्देश्य हैं, आपके घर में बीमारियों को आपको बचा सकता है, यह स्वास्थ्य रक्षा के लिए है, यह आपके सपनों को पूरा कर सकता है, यह स्वावलंबन के लिए है, महिला सशक्तिकरण पर काम कर, नए भारत का निर्माण पर काम कर रहे हैं। तो जैसे हम सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं तो सामने वाला सारी बातों से कन्विंस हो जाता है, लेकिन जैसे उसको बोलते हैं कि आप इसमें ज्वाइन कीजिए तो बहुत सारे लोग वहां डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इसका मतलब इस इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को कैश करने में जो सबसे पहला पॉइंट है, दैट इज आल्सो ए डिसीजन। डिसीजन ले लिया तो आरसीएम में आ गया, और डिसीजन नहीं लिया तो आरसीएम से बाहर रहा। तो यहां पर भी रोल जो है आरसीएम को ज्वाइन करने में भी डिसीजन का रोल है। अब आता है, मैंने ज्वाइन तो कर लिया, अब मैंने इस अभियान को बड़ा करना है, इसके प्रचार प्रसार करना है, अपने नेटवर्क को, अपनी टीम को बड़ा करना है, अपने साथियों को बड़ा करना है। अब काम है टू बिल्ड आरसीएम। तो इस आरसीएम को बिल्ड करने में भी डिसीजन का बहुत बड़ा रोल है। यह पॉइंट भी हमें समझना है। हम कई बार यह मान लेते कि मैंने डिसीजन तो ले लिया आरसीएम करने का, आरसीएम करने का डिसीजन वाज योर फर्स्ट डिसीजन,
बट आरसीएम को बिल्ड करने का डिसीजन यदि आप नहीं लोगे तो भी आपको यहां पर बड़ी सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए बिल्ड करने में भी लिए जाने वाले डिसीजन ही किसी एसोसिएट बायर को सफल लीडर में कन्वर्ट करते हैं। यदि आप इस अभियान के सफल लीडर बनना चाहते हैं, इसके टॉप पर जाना चाहते हैं, आप राइजिंग कोर में आना चाहते हैं, तो आपने जो आरसीएम को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया है, अब इसके बाद इसको बिल्ड करने में जिन जिन डिसीजन की जरूरत है, यदि आप उनमें कमजोर हैं तो भी आप इस मिशन में बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। तो इस आरसीएम को बिल्ड करने में भी बहुत सारे डिसीजन है, चाहे वो होम मीटिंग करने का डिसीजन है, चाहे वो डायमंड क्लब करने का डिसीजन है, चाहे वो नेटवर्क बनाने का डिसीजन है, चाहे प्लान सो सेंटर खोलने का डिसीजन है, चाहे किसी सेमिनार में जाने का डिसीजन है, चाहे लोगों के साथ तालमेल बनाने, तो ये भी आपके जो डिसीजन है ना छोटे छोटे, ये आपके बिजनेस को, आपके इस अभियान को बड़ा करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। इसलिए यदि हमें सफल लीडर बनना है, इस अभियान के टॉप पर जाना है, तो इस अभियान को बिल्ड करने में जिन डिसीजन की जरूरत है उन पे हमें काम करने की जरूरत है। और आरसीएम की एनिवर्सरी में जाना भी एक डिसीजन है सर, यह भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है। आरसीएम की एनिवर्सरी में जाके ही बड़े डिसीजन लिए जाते हैं। किसी भी बड़े लीडर की आप स्टोरी सुनना, किसी भी, चाहे डॉक्टर सुरेंद्र वत्स की स्टोरी सुनना, चाहे विजेंद्र सिंह राठौर जी की स्टोरी सुनना, चाहे मुकेश कोठारी सर की स्टोरी, जी वो सब ये कहेंगे कि मैंने ज्वाइन करने का डिसीजन तो ले लिया था, बट एक दिन मुझे इसकी एनिवर्सरी में, इसके बड़े इवेंट में जाने का डिसीजन लिया, और वहां जाने के बाद मैंने इस बिजनेस को बिल्ड करने का डिसीजन लिया। इसका मतलब यह हुआ, यदि मुझे यहां पर बड़ा काम करना है तो मुझे यह डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं इस एनिवर्सरी में जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं, मेरी टीम के लोग कितने जा पा रहे हैं। यदि आपने ये डिसीजन ले लिया, बहुत सारे लोग नहीं जा पा रहे, क्यों? क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाए। किसी के सामने टिकट को लेकर चैलेंज होगा, किसी के सामने ट्रेन की बुकिंग को लेकर चैलेंज होगा, किसी के सामने कोई पर्सनल काम को लेकर चैलेंज होगा। यदि वो ये डिसीजन नहीं ले पाए तो जो कुछ होना है 23 तारीख को वो उससे वंचित रह जाएंगे सर। मैं आपको बता दूं, इस साल की एनिवर्सरी, अब तक की जितनी भी एनिवर्सरी हमारी हुई है, ये 23rd एनिवर्सरी एक अलग रूप से मनाई जा रही है सर। इस बार की एनिवर्सरी का थीम है सेलिब्रेशन एंड विजन। मैं पूरे दावे से कह सकता हूं, यदि आप किसी भी नए बड़े से बड़े प्रोस्पेक्ट को, बड़े हाईली पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट को उस प्रोग्राम में ले आ पाते हैं, जैसे मर्जी ले आए, तो वहां जब वो सेलिब्रेशन देखेगा, पहली बार एक रॉयल्टी अचीवर को इस प्रकार के रिकग्निशन मिल रही है कि वो वेन्यू पर जाएगा, वहीं पर उसको उसकी पिन मिलेगी, एक कोर लीडर के द्वारा उसको पिन लगाई जाएगी, उसका वहीं पर फोटोग्राफी होगी, उसको जब एंट्री होगी तो वीआईपी एंट्री मिलेगी, उनका अलग बैठने की व्यवस्था होगी, वहां पर उसका जिस प्रकार से प्रमोशन होगा, तो व्यक्ति वहां पर जो भी गया वो ये डिसीजन लेके आएगा कि सर अगली एनिवर्सरी में मुझे रॉयल्टी अचीवर बन के आना है। टेक्निकल अचीवर को स्टेज पे जाने का मौका मिलेगा, ट्रॉफी लेने का मौका मिलेगा, अपनी प्रमोशन करने का मौका मिलेगा, वहां पर हमारे जो बड़े अचीवर है उनकी स्टोरी सुनने को मिलेगी, और सबसे बड़ी चीज, अगले साल हम क्या करने जा रहे हैं, अगले साल के लिए कंपनी क्या डिसीजन लेने जा रही है, अगले साल में किन प्रोजेक्ट पे काम किया जाएगा, ये सारी चीजों का लेखा जोखा आपको उस दिन वहां देखने को मिल सकता है। इसलिए 27 नवंबर आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला दिन बन सकता है, यदि आपने उसकी सही ढंग से तैयारी कर ली। अब प्रश्न आता है, यदि आपके पास टिकट नहीं है तो वहां जाने से आपको कुछ भी, क्योंकि एंट्री नहीं होगी आपकी, टिकट अब यूएस के पास कोई टिकट नहीं है, यूएस की सारी टिकटें जा चुकी हैं, आपके शहर में जो भी कोई सीनियर लीडर है, आपकी अपलाइन का है या आपकी क्रॉस लाइन का है, उससे पूछिए कि सर क्या 2 टिकट आपके पास अवेलेबल है मेरे लिए, हो सकता है कहीं ना कहीं आपको ऐसा मिल जाए,
और मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूं, यदि आपको कहीं से टिकट मिल जाए और आप इस एनिवर्सरी में आ गए, वहां का जो इस बार का तैयारियां हो रही है ना सर, बाहर जो होर्डिंग लगेंगे, लोग उन लीडर्स के होर्डिंग के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे होंगे, वो सारे इस साल के बड़े सितारों के रूप में हम लोग देखेंगे। उनका जिस प्रकार से सम्मान होगा, जिस प्रकार से उनकी पहचान होगी, जिस प्रकार से उनको इस साल के मॉडल के रूप में प्रेजेंट किया जाएगा, तो मैं पूरे दावे से कह सकता हूं आप उस दिन डिसीजन लेके आएंगे। आज आपका बिजनेस किसी भी स्थिति में है, वाइटल है, आपका रोल्टी मेंटेन नहीं हुआ है, नए ज्वाइन किया है, मैं पूरे दावे से कहता हूं एक साल में जब अगली एनिवर्सरी आएगी 24वीं, आप 100% टेक्निकल बनने का टारगेट लेके जाने वाले हैं। और हमारे वहां 26 का भी इवेंट है न्यूट्रीचार्ज का, जिन साथियों ने क्वालिफाई करके रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो टाइगर संतोष राय की ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे। और 28 तारीख को हमारी किसोल की एनिवर्सरी है, जिन जिन साथियों ने किसोल के टारगेट पूरे कर रखे हैं वो उस किसोल के प्रोग्राम में जाएंगे। किसोल की अगले साल की क्या तैयारियां हैं, किन किन साथियों ने उनको क्वालिफाई किया है। तो मेरा कहने का भावार्थ यह है कि इस साल की एनिवर्सरी अपने आप में एक यूनिक है। पूरी नेटवर्क मार्केटिंग, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस बार निगाहें लगाए बैठी है कि इस बार आरसीएम क्या लॉन्च करने वाला है, इस बार आरसीएम अगले साल की क्या प्लानिंग करने जा रहा है। तो आप यदि आपके पास टिकट अवेलेबल है, आपके अपलाइन से बात कीजिए, आपके कोर लीडर से बात कीजिए, आपके राइजिंग कोर लीडर से बात कीजिए। यदि आपके पास टिकट अवेलेबल है तो आप उस प्रोग्राम में जरूर आइए, मैं आपको इनवाइट करता हूं उस प्रोग्राम में। वो आपकी लाइफ का एक मेमोरेबल डे बन सकता है। आप बहुत बड़े डिसीजन वहां पर लेने वाले हैं। डेली 8 PM पे अपने साथियों को लेके आइए, रोज इस प्रोग्राम को अटेंड कीजिए। कल हमारे बीच में महावीर सारण जी आ रहे हैं, जो आपको इस बिजनेस में बड़ा होने के लिए, इस अभियान को कैसे बड़ा किया जाए उसके बारे में पूरी रूपरेखा देंगे। आज हमारे बीच में डायमंड विजेंद्र सिंह राठौर जी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं यदि आज आपने अपनी तैयारी को बड़ा कर लिया, अपनी टीम की तैयारी को बड़ा कर लिया, बहुत सारे लोग हमारी टीम में नॉन एक्टिव हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, तो आपके पास एक मौका है सर, अपॉर्चुनिटी है। यदि उनको आप एक्टिव मोड में लाना चाहते हैं, उनके द्वारा बड़े डिसीजन लेना चाहते हैं, तो ये 27 तारीख का 23वीं एनिवर्सरी हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसको कैसी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग पूरी तैयारी के साथ आ रहे होंगे। टिकट मिले ट्रेन में ना मिले सर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हमने बिजनेस को बिल्ड किया, कई बार टिकटें नहीं मिलती थी, साथ में एक पन्नी रखते थे, और जो जहां पर चढ़ते हैं ना, जहां पर टॉयलेट होता है उसके पास सिर के नीचे बैग रखा, पन्नी बिछाई, लेट गए सर। उद्देश्य ये नहीं था कि गए कैसे। जब भी आप सफर में जाते हैं ना सर, किसी बस में ट्रेन में जाते हैं, तो जरूरी नहीं कि सफर में मजा आएगा, कोई जरूरी नहीं है। बगल में कोई शराब पिया बैठ सकता है, बगल में कोई झगड़ालू व्यक्ति बैठ सकता है, अपने को वो टाइम पास करना है। अपना उद्देश्य सफर में क्या मिला वो नहीं है, अपना उद्देश्य है कि मंजिल पर जाना है, किसी के दोस्त से मिलने जाना है, किसी रिश्तेदार के पास जाना है, कहीं एग्जाम देने जाना है, किसी और काम के। तो असली मजा तो मंजिल पर जाने के बाद आता है सर। तो आपको आने में असुविधा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आप बस में बैठ के आइए, ट्रेन में बैठ के आइए, आप TT से मिल लीजिए, आपको नहीं मिल रहा है तो पन्नी बिछा के उसमें बाथरूम के पास लेट के आ जाइए। लेकिन मेरा मानना है यदि आप आ गए तो उस एनिवर्सरी में बहुत बड़ा डिसीजन आप लेने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह सेशन आपके डिसीजन को बड़ा करने में और आपको और आपकी टीम को एनिवर्सरी में लाने में बिल्कुल काम आने वाला है। मेरी बात यहीं पर समाप्त